हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श कोचिंग कैंपस छतरपुर। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बचे हुए भाग को। लास्ट वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5 प्रकार वहां पे पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम छठवें प्रकार से बात करेंगे। छठवां प्रकार है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है और इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त होने का मतलब है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह मतलब प्लस साइन के साथ दर्शाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और यहाँ पे जो है वो 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो निर्मुक्त होती है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो आपको इस प्रकार से उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बारे में बताना है और इस एग्जाम्पल को वहां पे लिख के आना है। इसके बाद देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा ग्रहण होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह यानी कि माइनस लगाकर दर्शाया जाता है या अभिकारकों की ओर धन चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। या तो हम अभिकारकों की ओर धन चिन्ह लगा के दर्शाएंगे या उत्पादक में माइनस चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह रासायनिक अभिक्रिया लिखी है और इसमें जो है 45 किलो कैलोरी जो है अवशोषित हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है जिसमें C+2S, तो CH2 बनेगा और -20,000 कैलोरी यहाँ पे जो है अवशोषित होती है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संक्षरण। संक्षरण क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संक्षरण कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संक्षरण कहलाता है। जैसे हम देखते हैं लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना, दोनों एग्जाम्पल संक्षरण के हैं। इसका प्रभाव क्या होता है, यह कार, पुल, लोहे के रेल आदि की बाहरी संरचना को संक्षरित यानी कि नष्ट कर देते हैं। संक्षरण की अधिकांश प्रक्रिया हानिकारक होती है। इसके बाद रोकने के उपाय भी लिखे हैं। संक्षरण को धातुओं पर पेंट करके हम रोक सकते हैं, मिश्र धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का विकृतिगंधता। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, तेल या वसा युक्त का मतलब है जिन पदार्थों में तेल या वसा उपस्थित होता है या होता है, उन पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृतिगंधता कहलाता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें तेल व वसा होता है उनको अगर हम लंबे समय तक रखते हैं तो उनका स्वाद व गंध दोनों बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम विकृतिगंधता कहते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो